फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलने वाले अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी इस समय विदाउट कॉन्ट्रैक्ट हैं। उनका यह कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना के साथ 30 जून को एक्सपायर हो गया था, जिसके कारण लोग अब सोशल मीडिया पर ये कयास लगा रहे हैं कि बार्सिलोना अपने दिग्गज प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दे रहा है, या मेसी खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते हैं और वो दूसरे क्लब में जाना चाह रहे हैं। अब क्लब के प्रेसिडेंट ने लियोनेल मेसी के कॉन्ट्रैक्ट पे बात किया है। बार्सा के साथ मेसी का 20 साल का संबंध रहा है। सन 2000 में मेसी ने 13 साल की उम्र में उन्होंने बार्सा के साथ अपने सफर की शुरुआत की थी, और मेसी को नया कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने के मसले पर बात करते हुए क्लब के नए प्रेसिडेंट ने स्थिति साफ की है कि मेसी को नया कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने में ला लिगा के नए फाइनेंशियल रूल की वजह से हो रही है। उनका कहना है कि क्लब की तरफ से सबसे अधिक गोल दागने वाले मेसी अभी भी एफसी बार्सिलोना के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। आगे मीडिया से बात करते हुए लोपार्टो ने कहा, सब अच्छा चल रहा है, वह रहना चाहते हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें फाइनेंशियल फेयर रूल के साथ बैलेंस करना होगा। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लोपार्टो ने कहा, कई विकल्प हैं, हम उन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं जो दोनों के लिए अच्छा हो। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ बने रहें और वो भी यही चाहते हैं। हम सबसे अधिक प्रतिवर्ती टीम देना चाहते हैं। इन सब कंडीशन का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 2013 में ला लीगा ने फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए कुछ रूल बनाए थे, जिसमें क्लब अपनी इनकम के आधार पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल और कोचिंग स्टाफ पर पैसा खर्च कर सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इनकम करने वाला क्लब बार्सा ही है, लेकिन पिछले साल कोरोना पैंडमिक के आ जाने के कारण उनके भी रेवेन्यू में कमी आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के कारण पिछले साल उनके रेवेन्यू में 125 मिलियन यूरो की कमी आई है। स्पेनिश न्यूज एजेंसी अलमुंडो के अनुसार मेसी के पास दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बार्सा को ये कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपने बिल में कुछ कटौती करनी होगी, जो कि इस पैंडमिक के दौर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बार्सा के पास वैसे ही सुपरस्टार खिलाड़ियों का पुल प्रेजेंट है। उन्होंने अभी इस समर में डिपॉय, सर्जियो गेरो और एरिक गार्सिया जैसे खिलाड़ियों को फ्री ट्रांसफर में साइन किया है। इन प्लेयर के आने के कारण उनके बिल में बढ़ोतरी हुई है, और बार्सिलोना के पास पहले से एंटोनियो ग्रिज़मैन, उस्मान डेम्बले और फिलिप काउटिनो जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी सैलरी पहले से ही ज़्यादा है। इन सब के कारण बार्सा को खिलाड़ियों को बेच पे करने में दिक्कत हो रही है। अगर उनको मेसी को नया कॉन्ट्रैक्ट देना है तो कुछ सुपरस्टार खिलाड़ियों को जाने देना होगा ताकि वो अपने एक्सपेंसेस कम कर सकें। वैसे तो बार्सा भरपूर कोशिश कर रही है कि मेसी उनके साथ जुड़े रहें, और उम्मीद यही है कि मेसी बार्सा के साथ ही जुड़े रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।